सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे जे क्लासेस मेवाड़ में। आज हम हल कर रहे हैं प्रयास वर्कबुक इंग्लिश क्लास 4-5 2023-24, कक्षा 4 और 5 की 2023 की ये नई वर्कबुक। इसमें हल करेंगे हम वर्कशीट 56-57-58-59-60। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। 56। आस्क योर फ्रेंड दी फॉलोइंग क्वेश्चन एंड प्रिपेयर एन इंट्रेक्शन फॉर देम। व्हाट इज योर नेम? आपसे पूछा जाए कि आपका नाम क्या है। इस लड़की ने बताया कि माय नेम इज शीला। आप यहाँ अपना नाम भी लिख सकते हो। व्हाट इज योर एज? तुम्हारी उम्र क्या है? आई एम 6 ईयर ओल्ड। या आप चौथी में पढ़ रहे हो तो 10-11 साल के हो सकते हो। माई एज इज 6 ईयर। विच इज योअर फेवरेट गेम? आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? तो हाइड एंड सीक इज माई फेवरेट गेम, या वॉलीबॉल, कबड्डी, कुछ भी लिख सकते हो आप जो आपका गेम हो। विच इज योअर फेवरेट कलर? माई फेवरेट कलर इज येलो। पीला कलर फेवरेट कलर है। इसके बाद विच इज योअर फेवरेट फूड? आपका पसंदीदा भोजन कौन सा है? तो खीर जलेबी इज माई फेवरेट फूड, या जो भी दाल बाटी आपका पसंद हो वो यहाँ लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 2 है। यूजिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट राइट एन इंट्रैक्शन फॉर योअर फ्रेंड एंड ड्रॉ दियर पिक्चर इन द बॉक्स। यू कैन टेक हिंट फ्रॉम द पिक्चर अबाउ फॉर ड्रॉइंग। चित्र बनाना है यहाँ। ही इज माई फ्रेंड काव्या। सी इज माई फ्रेंड काव्या। सी आएगा लड़की है तो, लड़का है तो ही आ जाएगा। सी इज 10 ईयर ओल्ड, ये 10 साल की है। सी लाइक्स टू ईट चॉकलेट, इसको चॉकलेट खाना पसंद है। सी इज फूड ऑफ वार्निंग न्यू क्लॉथ्स, वेयरिंग न्यू क्लॉथ्स। सी इज फाउंड वेयरिंग न्यू क्लॉथ्स, इसको नए कपड़े पहनना पसंद है। सी लाइक्स टू प्ले खो खो, इसको खो खो खेलना भी पसंद है। इसका हमने छोटा सा चित्र बनाया। आप भी अपनी पसंद के हिसाब से एक अच्छा चित्र बना दें इसका। ये था वर्कशीट 56। वर्कशीट 57। मेक सेंटेंसेज यूजिंग दैट दोज एट राइट पैलेस। तो ये टेबल है तो दूर है हाथ से, दैट इज ए टेबल। और एक टेबल है तो दैट, और ज़्यादा है तो दोज। दोज आर टेबल, ये पास में है तो दोज आएगा। दूर है तो दोज आएगा। इसमें देखिए एक पेड़ है, दैट इज ए ट्री, वह एक पेड़ है। दोज आर ट्रीज, वह बहुत सारे पेड़ है। इसके बाद नीचे दैट इज ए फ्लावर, ये वह एक फूल है। दोज आर फ्लावर्स, वह बहुत सारे फूल हैं। दैट इज ए बेट, वह एक बेट है। और दोज आर बेट्स, वो बहुत सारे बेट हैं। दे दैट और दोज का प्रयोग सिखाया इसमें। ये था वर्कशीट 57। वर्कशीट 58। फाइंड आउट एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग पेसेज। लालू वाज ए बिग हैन एंड पीलू वाज ए स्मॉल हैन। लालू वाज रेड विल पीलू वाज येलो। वन डे लालू सा ए बिग फेयर इन हिज विलेज। लालू सा हग स्विंग्स टेट्स टेस्टी फूड एंड कलरफुल ड्रेसेज दियर। ही आल्सो सा ए टॉल मैन सोविंग मैजिक इन द फेयर। लालू आस्क्ड पीलू टू गो टू द फेयर। बोथ ऑफ देम वेंट टू द फेयर। लिस्ट ऑल द एडजेक्टिव इन द ग्रिड बिलो। तो इसमें कौन कौन से एडजेक्टिव आए हैं वो हमें नीचे लिखना है। एडजेक्टिव हैं इसमें, विशेषता बता रहा है, विशेषण है। बिग यानी बड़ा, स्मॉल छोटा, रेड यानी लाल, येलो यानी पीला,
अग टेस्टी, अग यानी बद्दा, टेस्टी यानी अच्छा, कलरफुल और टॉल, ये इसमें एडजेक्टिव आए हैं, आप भी ये लिख लें। ये था वर्कशीट 58। वर्कशीट 59, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द एक्शन वर्ड यूजिंग ING। चित्र देखें और ING लगाकर एक्शन वर्ड कैपिंग यानी ताली बजाना, हाथ धो रहा है वॉशिंग, हाथ धोना, हाथ धो रहा है, जंपिंग रस्सी कूद रही है जंपिंग। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस डिस्क्राइबिंग द पिक्चर, चित्र देख के पूरा करना है वाक्य। तो ही इज ए रनिंग, यह दौड़ रहा है। सी इज ए स्विमिंग, वह तैर रही है। दे आर ईटिंग, वे सभी खाना खा रहे हैं। सी इज प्लेइंग, वह खेल रही है। प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रही है। दी बेबी इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है। दे आर वॉचिंग टीवी, वे सभी टीवी देख रहे हैं। इस प्रकार आप चित्र देख के इस सेंटेंस को पूरा करें। ये था वर्कशीट 59। वर्कशीट 60, टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर एंड यूज करेक्ट पंक्चुएशन मार्क इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सी इज प्लेइंग विद द डॉल, तो इसमें आएगा यहाँ फुल स्टॉप। वेयर आर द मैंगोज, WH वर्ड है तो यहाँ आएगा क्वेश्चनवाचक मार्क। हाउ ओल्ड इज प्रीति, इसमें भी WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चनवाचक मार्क आएगा तीसरे में। चौथा, वेन आर दे गोइंग टू ऑफिस, WH वर्ड, क्वेश्चनवाचक मार्क। आई हैव 5 डॉग्स, यहाँ आएगा फुल स्टॉप, फुल स्टॉप आएगा बॉक्स में। किरण बर्थडे इन अगस्त, फुल स्टॉप। माई फादर राइट विथ ए ग्रीन पेन, फुल स्टॉप। वाई आर द क्लॉथ्स हियर, WH वर्ड, क्वेश्चन वाचक मार्क। वी आर डूइंग सम वर्क, फुल स्टॉप। यू आर माई फ्रेंड, फुल स्टॉप। इज इट रनिंग, रेनिंग, फुल स्टॉप। आर यू हंग्री, प्रश्न पूछ रहा है WH। आई एम ट्राइड, फुल स्टॉप। बॉस वाज ही एंग्री, क्वेश्चन वाचक। ये था वर्कशीट 60। OCR फॉर्मेटिव असिसमेंट नो, टेक द सेंटेंस दैट इज करेक्ट, इसमें चौथा करेक्ट है, इज इट रेनिंग्स। टेक द सेंटेंस विथ करेक्ट पंक्चुएशन मार्क, आई लाइक मैंगो जूसी, तीसरा राइट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, एलिफेंट इज ए बिग एनिमल, इट हैज ए ट्रंक, तो ये यहाँ बिग आएगा, एडजेक्टिव बिग है। अंतिम, हैज ए ब्लैक गॉट इन हिज होम, इसमें ब्लैक एडजेक्टिव है, इसमें राइट करें। नीचे हैं, रीड द पैसेज इन आंसर द क्वेश्चन। मोनू हैज 4 बैग्स, वन इज ब्लैक, वन इज रेड, वन इज ब्लू एंड वन इज ब्राउन इन कलर। द रेड बैग हैज वाइट डॉट्स, विच बैग हैज डॉट्स, तो रेड बैग इसमें राइट करें। हाउ मेनी बैग डज मोनू हैव, मोनू के पास कितने बैग हैं, 4, इसमें 4 में राइट करें। सातवां है, व्हाट इज द कलर ऑफ द डॉट्स, व्हाइट। विच वर्ड कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो, देर इज ए हग मैंगो ट्री बिहाइंड ओवर हाउस, इसमें आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट करेक्ट द सेंटेंस गिवन बिलो, रानी फुट फॉर, आएगा एप्पल्स इन द बास्केट। चूज द करेक्ट वर्ड टू द कंप्लीट द सेंटेंस, सीता केप्ट 6, यहाँ आएगा बुक्स इन हर बैग, बुक्स राइट है। ये था वर्कशीट 56, 57, 58, 59, 60 और फॉर्मेटिव असिसमेंट नो का हल। और भी वर्कशीट का हल देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ हमने सभी वर्कशीट के हल करके डाल रखे हैं।
इसका हल आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।